जुनेद बगदादी के जनाजे के नीचे गुजरता है और अपना सर उन्हें देता है. So, जनाजे को कंधा देता है. As the janaza was proceeding, he put his head underneath the bier. तो जब कंधा दिया जनाजे को तो जनाजे में से आवाज आई जुनेद बगदादी की. He gave answer, जुनेद बगदादी. हजरत जुनेद बगदादी. अरे नादान, जिस ख्वाब की ताबीर के लिए आज है तो तेरे ख्वाब की ताबीर है. The dream, the translation of the dream that you wanted, here is for you. क्योंकि वलीउल्लाह का जनाजा तूने अपने कंधे पर सर पर उठाया. Because you have taken the वलीउल्लाह janaza on your shoulders. तो कल्बुल मुमिनीन अर्शिल्लाह. मोमिन का कल्ब अर्श अजीम है. ये ईमान वाला है. That is तो ये वलीउल्लाह का मकाम और तर्जुमा है. तो वली का मकाम बहुत बुलंद है. अर्श अजीम की भी कोई हकीकत नहीं. स्टेटस ऑफ वलीउल्लाह इज ग्रेट. जुनेद अपनी आवाज में आवाज दे रहे हैं. He was answering his voice, his own voice. आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो जुनेद डोले में लेटा हुआ था वो कौन था और जो जवाब दे रहा था वो कौन जुनेद था. वही तो जो जिस्म था लेकिन जो जुनेद आवाज दे रहा था जिस्म आवाज नहीं बल्कि रूह आवाज दे रही थी. वाज नॉट द बॉडी बट द रूह दैट गेव द. तो अल्लाह वाले जब दुनिया में रहते हैं तो ये फैज पहुंचाते हैं सबको. व्हाइल दे आर इन द दुनिया यू गेट द फैज ऑल ऑफ यू एंड आफ्टर डाई आल्सो आफ्टर डाई फोर टाइम ग्रेटर ज्यादा ग्रेट ज्यादा फोर टाइम्स ग्रेटर आफ्टर वो फास्ट द फैज ऑफ द औलिया इकराम कमिंग फैज फास्ट इंक्रीज फैज. तो ये है वलीउल्लाह का मकाम. दिस इज द मकाम ऑफ द वलीउल्लाह. इज नॉट जस्ट वाइल दे आर हियर बट इवन आफ्टर वफात इज ग्रेटर. तो तसव्वुफ का ये मैं बताना एक मकसद समझ रहा था कि मुरीदों को समझ में आ जाए कि सूफी बोलना आसान है. इट्स ईजी टू से सूफी बट उसको उस पर चलना बहुत मुश्किल है. बट टू गो विद इट इट्स डिफिकल्ट. बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है. प्रैक्टिस तभी कर. लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया ना कि तसव्वुफ क्या है. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट तसव्वुफ इज. तसव्वुफ हमारा बनाया हुआ तरीका नहीं है. इट इज नॉट अल्लाह का बनाया हुआ तरीका. अल्लाह तआला इज क्रिएटेड तसव्वुफ. वो समझ अगर आ गई कोई सखावत से गुजर के रजा से गुजर कर सबर से गुजर कर आगे गुजर जाए तो वो चुके हैं. You continue with all these conditions, you can become great. और इसमें तो कुरान है तसव्वुफ. इस तसव्वुफ में सूफी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गिव और अल्लाह सुब्हानहू तआला देन सेम लाइक दैट टाइम. वो जो आपकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह पर लुटाना है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा. अबू बकर सिद्दीक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस नुक्ते को लेकर वही अमल उन्होंने सरकार पर किया. द सेम अमल वॉज बिस्टाउड ऑन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हजरत अबू बकर सिद्दीक. वन टाइम सरकार मदीना जंग में सहाबा जख्मी हो गए और सरकार अबू बकर सिद्दीक को बुलाते हैं और फरमाया आए अबू बकर साहबा जख्मी हो चुके हैं तुम्हारे से जो भी हो उनकी मदद कर देना. सम ऑफ द सहाबस कॉल्ड हर्ट एंड बिकेम वुंडेड. उसके बाद हजरत उमर को बुलाया और बोले है उमर साहबा जख्मी हो चुके हैं इनकी कुछ मदद कर देना. हजरत अबू बकर सिद्दीक एंड हजरत उमर वॉज कमांडेड टू गो हेल्प दोज पीपल. तो हजरत उमर ही गिव ऑल हाफ प्रॉपर्टी सहाबा इकराम. गिव ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑल हाफ प्रॉपर्टी सहाबा इकराम. सहाबा इकराम. और उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो उमर का ये ख्याल था कि अबू बकर सिद्दीक नेकी में हमेशा
मुझसे आगे होते हैं. हजरत उमर ऑलवेज न्यू दैट हजरत अबू बकर सिद्दीक वाज ऑलवेज इन एडवांस इन हिज मेकिंग स्टेप. तो मूसा लेकिन हमारे उमर उस जमाने में बहुत पैसे वाले थे. वेल्थी मैन एट द टाइम ही गिव हाफ की हाफ इज वेल्थ. और हजरत अबू बकर सिद्दीक दैट टाइम वी वेरी पोर. तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा क्या है अबू बकर उमर अपनी आधी दौलत लाया है तू क्या लाया है. तो हजरत अबू बकर ने सब कुछ लाया था अपने घर से. सब कुछ सारा घर. तो फिर फरमाया अबू बकर क्या लाए हो. तो अबू बकर से कसम खुदा की घर की हर वो चीज लाया हूं. आई ब्रॉट एवरीथिंग फ्रॉम माय हाउस. घर की हर वो चीज लाया हूं मैं. फिर बोले क्या लाया क्या छोड़ आया. सब कुछ लाया हूं अल्लाह उसके रसूल को घर में बनाया. व्हाट हैव यू ब्रॉट अलोंग एंड व्हाट हैव यू लेफ्ट बिहाइंड. All I left behind is Allah and all His rules. ये है. तो इब्राहिम का वो अमल अबू बकर ने देखा तो अबू बकर ने यही अमल सरकार के लिए किया. सरकार यू आस्क मी. तो सब कुछ उठा दिया सरकार तो. तो क्या मिला मकाम उनको. तो उमर फिर समझ गए शायद आज नेकी में